क्या रविंद्र जडेजा की पत्नी को दिल्ली तलब करने वाले हैं पीएम मोदी या सांसद पूनम मडाम की लगेगी क्लास। मोदी के कार्यक्रम में आपस में भिड़ गए विधायक सांसद। रिवाबा जडेजा का गुस्सा देख पुलिसकर्मी भी हो गए सन्न। सांसद साहिबा को साफ शब्दों में समझाया, अपनी ही पार्टी के मेयर को हड़काया, रिवाबा के चप्पल पर मचा बवाल। ये वीडियो ध्यान से देखिए और रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की गुस्से का लेवल समझिए। जामनगर नॉर्थ से विधायक रिवाबा जडेजा जिस कार्यक्रम में गई थी वहां पर अपनी ही पार्टी के सांसद और मेयर पर भड़क गईं। मेयर को कहा औकात में रहिए, जबकि सांसद पूनम मडाम को साफ साफ कहा जिसे जो कहना है नाम लेकर बोला कीजिए। अब सवाल है कि वहां पर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा मुस्कुराने वाली रिवाबा गुस्से से लाल हो उठी। तो उसे समझने के लिए ये दो तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर मेरी माटी मेरा देश अभियान के एक कार्यक्रम की है जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की है। अलग अलग राज्यों में बीजेपी के सांसद और विधायक मेयर सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम गुजरात के जामनगर में भी आयोजित हुआ। पहली तस्वीर उसी की है। अब दूसरी तस्वीर पर आइए। ये जो महिला पीले सूट में खड़ी है ये हैं बीजेपी सांसद पूनम मडाम। शहीदों को श्रद्धांजलि देने चप्पल पहनकर जा रही हैं, लेकिन यही सांसद साहिबा दीप जलाते वक्त चप्पल उतार देती हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक सांसद पूनम मडाम के बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देने विधायक रिवाबा जडेजा पहुंचती हैं और वो चप्पल उतारकर मंच पर जाती हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देती हैं, फिर वापस लौट आती हैं और इस वक्त तक कोई विवाद नहीं होता। लेकिन तभी सांसद साहिबा वहां पर मौजूद किसी महिला से ये कहने लगती हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी श्रद्धांजलि देते वक्त जूता या चप्पल पहने रहते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और इसी बात पर रिवाबा को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद एक मिनट तक लड़ाई चलती है। विधायक रिवाबा जडेजा पूछती हैं, आपने ऐसा क्यों बोला, क्या मतलब है इसका। सांसद पूनम मडाम, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने मेयर बिना कोठारी को कहा है। वो भी ऐसे ही गई थी, मेयर बिना कोठारी। हाँ, विधायक रिवाबा जडेजा, तो जिसे बोलना है नाम लेकर बोलिए। वीडियो गुजराती में है इसीलिए हमने आपको पूरा दिखाया नहीं, लेकिन उसका लब्बो लुवाब ये है कि विधायक रिवाबा जडेजा सबको कहती हैं कि औकात में रहो। अब सवाल यहाँ पर ये है कि गलती किसकी है। क्या शहीदों को श्रद्धांजलि देते वक्त चप्पल उतारना गलत बात है। आप मंदिर जाते हैं चप्पल उतारते हैं, शमशान में भी चप्पल उतार कर ही संस्कार होते हैं, तो फिर शहीदों को श्रद्धांजलि ऐसे देने पर ओवर स्मार्ट बनने वाली बात कहां से आ गई। रिवाबा जडेजा इन सवालों पर खुद कहती हैं, पीएम मोदी जब संसद भवन गए तो उन्होंने मत्था टेका, ये तो प्रोटोकॉल में नहीं आता, पर उन्होंने किया। मेरे दिल में शहीदों के प्रति एक अलग सम्मान है, मैंने उन्हें एक्स्ट्रा तरीके से सम्मान देने की कोशिश की, इसमें क्या गलत है। वैसे तो रिवाबा की गलती इसमें नहीं दिखती, पर पार्टी लेवल पर देखें तो रिवाबा जिम्मेदार पद पर हैं। उन्हें तुरंत ऐसे रिएक्ट कर बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए था। पर सबसे बड़ा सवाल सांसद साहिबा पर है जिन्हें इस बात की तकलीफ हुई कि उन्हें तंज कसना पड़ गया। अब इस मामले में आप किसकी गलती मानते हैं हमें कमेंट कर बताएं, क्योंकि मामला सिर्फ एक पार्टी के सांसद और विधायक से नहीं बल्कि शहीदों के सम्मान से जुड़ा है।